हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी स्वदेशी किचन। मैं हूँ प्रियंका और आज हम बनाएंगे शाही पनीर। इसे मैंने बिल्कुल होटल के जैसा बनाया है और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में कट मत कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। इससे पहले कुछ बात आप लोग से शेयर करना है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से कई लोगों को पता नहीं है कि सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, बार बार ना करें। इससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरे सब्सक्राइबर घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि सब्सक्राइब एक बार ही कर लें, आपको करना नहीं है। मैंने जो वीडियो में बोल रखा है वो न्यू सब्सक्राइबर के लिए बोल रखा है, हर वीडियो में सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। जो भी नए सब्सक्राइबर आएंगे उनके लिए बोल रखा है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि बस एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, बार बार नहीं करना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्रेडिएंट को क्या चाहिए बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ काजू ले लेना है, फिर अदरक ले लेना है थोड़ा सा, फिर लहसुन ले लेना है आपको, हरी मिर्च ले लेना है आपको, और दो बड़ी इलायची, छोटी इलायची ले लेंगे थोड़ी सी, दालचीनी थोड़ी सी, काली मिर्च थोड़ी सी, लौंग थोड़ी सी, तेज़पत्ता दो ले लिया है, आधा नींबू ले लेंगे। और उसके बाद करना क्या है आपको, बहुत सारे टमाटर ले लेना है आपको। तो मैंने यहाँ पे 7-8 टमाटर ले लिया है, उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और उसके बाद मैंने 3 बिग साइज में प्याज ले लिया है, इसे भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, उसे भी अपने अनुसार आप लोग काट सकते हो छोटे या बड़े। तो मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है। 1 स्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ले लिया है, 1/2 स्पून जीरा पाउडर है, 1 स्पून कश्मीरी मिर्च है। उसके बाद 1 स्पून बेसन ले लेंगे। तो बेसन को मैंने यहाँ पे थोड़ा हल्की सी भूनना है आपको, ज़्यादा नहीं भूनना है। और ये मैंने क्रीम यूज़ किया है जो मेरा घर का ही क्रीम है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है 1/2 स्पून लेना है गरम मसाला। उसके बाद 1 स्पून कसूरी मेथी जो से भी हल्की सी भून लेना है आपको। उसके बाद मक्खन ले लेंगे। इसकी सारी इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और कढ़ाई को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। 1 स्पून घी ले लिया है, तो घी हमारा मेल्ट हो चुके हैं। और इसमें हम खड़े मसाला को डाल देंगे। और खड़े मसाला को डालने के बाद हल्की सी इसे चला लेंगे और हल्का सा मसाला को पकाना है, खड़े मसाला को, ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे हल्के से चला लिया है और मसाला, मतलब उसके बाद काजू डाल देंगे साथ में ही थोड़ी देर के बाद, फिर साथ में अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, मिर्ची भी डाल देंगे, हरी मिर्च, और इसे भी हल्के से चला लेंगे। बस हल्का सा पकाना है इसे आपको, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद साथ में ही थोड़ी देर के बाद प्याज को भी ऐड कर देंगे इसमें, उसके बाद टमाटर को भी ऐड कर देंगे। और इसे हल्का सा पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है। मैं इसलिए इसे पका रही हूँ, थोड़ा इसका कच्चापन निकल जाएगा इसलिए इसे मैं पका रही हूँ हल्का सा। और उसके बाद हल्की सी नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार, और इसे भी अच्छा से मिक्स कर देंगे। बस हल्की सी इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने कच्चापन के लिए इसे पका लिया। उसके बाद इसमें हल्की सी पानी डाल देंगे और बस हल्का सा इसको पकाना है आपको। और पकने के बाद इसे मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में डाल दिया है और गैस कुकर देंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसे 2-3 सीटी लगने देंगे और इसे बस हल्का सा पकाना है। तो सीटी को लगने देंगे 2-3 सीटी। तो यहाँ पर मैंने सीटी लग चुका है हमारा, तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है पककर। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के बाद इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, इसे हम अब पीस लेना है आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का कपड़ा ले लिया है, कुछ कोई भी कपड़ा आप ले लेना है आपको, जो साफ़ होना चाहिए और जो हमारा जो मिक्सर है वो बाहर ना आए, इसलिए मैंने कपड़ा लगा रखा है। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो हमारा जो भी ग्रेवी है वो बन के रेडी है बिल्कुल। अब इसे करना क्या है आपको, इसे छान लेना है अच्छी तरह से। होटल में जो भी बनाते हैं वो वैसे ही छान कर बनाते हैं, वो दो बार छान लेते हैं, बट यहाँ पर मैं एक ही बार छान रही हूँ। तो इसे मैंने अच्छी तरह से कुछ छान लिया है, देख सकते हो आप, और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है। तो इस
उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और उसे भी गर्म कर लेंगे। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 स्पून तेल ले लिया है, 1 टेबल स्पून, और सारे मसाले जो थे इसमें डाल दिया है। मसालों को हल्के से भून कर बस पानी डाल देना है साथ में थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है साथ में, और अच्छे तरह से मसालों को पका लेना है आपको। तो आप देख सकते हो मसालों को अच्छी तरह से पकाना है आपको बिल्कुल। तो मसाला हमारा पककर रेडी हो चुका है, अब इसमें हम जो भी ग्रेवी था हमारा वो डालेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे जो ग्रेवी था उसको भी साथ में डाल दिया है मसाला को पकने के बाद, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे आपको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, सब तो पका हुआ है ऑलरेडी, बस हल्का सा पकाना है 2-3 मिनट तक। और उसके बाद इसमें नींबू का रस डाल देंगे और 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे इसे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और साथ में यहाँ पे गरम मसाला भी डाल देंगे, कसूरी मेथी भी डाल देंगे साथ में, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे नींबू का इसलिए यूज़ किया है, जो होटल में जो करते क्या हैं थोड़ी सी ग्रेवी खट्टी रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नींबू का यूज़ किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रीम जो था वो भी मैंने साथ में डाल दिया है, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपको। तो मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसके बाद डालना क्या है आपको, पनीर को डालना है इसमें। तो मैंने यहाँ पे पनीर को भी डाल दिया साथ में सबको, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह सबको मिक्स कर लिया है पनीर को, और साथ में ही बटर डाल देंगे। होटल में करते क्या हैं कि वहाँ पे ग्रेवी को बना लेते हैं पहले से ही, और जब भी मतलब सब करना रहता है उनको तब पैन लेते हैं और ग्रेवी को गर्म करते हैं, और उसके बाद पनीर डालते हैं और बटर डालकर सब कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं तो घर पे बनाना है, घर पे खाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया है। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी है, और एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। तो और ट्राई करके कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आज की रेसिपी आपको। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।